नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। ये पिछले कुछ दिनों में जिले में, शहर में विशेषकर वारदातें हुई थी, जिसमें एक गैंग द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पैसा लूटने और वसूल करने के उद्देश्य से फायरिंग करी गई थी, जिसमें घायल भी हुए थे लोग पब्लिक के। उसी के बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश में थी और आज जो है पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर चार अलग अलग टीमों का निर्माण किया गया। चार टीमों में प्रभारी बनाए गए और जहां जहां पर सूचना थी वहां पर टीमें रवाना हुई, जिसमें से उंडासा रोड पे जो है पहला एक आरोपी की जो सूचना थी वहाँ पे टीम पहुँची, तो जो आरोपी थे गाड़ी में, दो आरोपी थे, उनने पुलिस के ऊपर, पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग कर दिया। कुछ जो उसमें से गोलियाँ गाड़ी पे भी लगी हैं और पुलिस ने आत्मरक्षार्थ न्यूट्रलाइज करने के उद्देश्य से जवाबी फायर भी किया, जिसमें एक जो प्रकरण का मुख्य आरोपी है उसके पैर में गोली लगी है, जिसको तत्काल ही CH लाया गया और अभी आउट ऑफ डेंजर है, डॉक्टर ने बताया है। इसके साथ ही एक दूसरा अन्य आरोपी था, उसको पुलिस ने भागते हुए वहां से पकड़ा है। जो दूसरी टीम थी, तिरुपति एवेन्यू में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभारी TI महाकाल थे, वो टीम वहां पर पहुंची। वहां पर तीन आरोपियों को जो इन प्रकरणों में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त जो एक टीम थी क्राइम की, वो एक आरोपी को उन्होंने पकड़ा है जिस स्थान से सूचना थी। पुलिस की कुछ अन्य टीमें हैं जो अभी भी सर्चिंग में हैं और जो पूछताछ इनसे की जाएगी आरोपियों से, अन्य कुछ नाम आएंगे उनको भी पुलिस, जो आरोपी बच गए हैं प्रकरण में उनकी भी सूचना पुलिस के पास है, तो उनके लिए टीम अभी वर्तमान में सर्चिंग में ही लगी हुई है, तो वो टीम जब वापस लौटेगी तब उसके बारे में बताया जा सकेगा। अभी कुल जो वर्तमान में है, अलग अलग स्थानों से 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चूँकि ये काफ़ी पुराने आदतन अपराधी हैं, इन आरोपियों के ऊपर 10 से अधिक अपराध गंभीर किस्म के दर्ज हैं, पूर्व से भी कई अपराधों में ये फरार रहे हैं और वर्तमान में भी 3 से 4 अपराध इनके गंभीर हत्या के प्रयास के हैं, तो सभी प्रकरणों का लगभग 40,000 के लगभग इनके ऊपर। जब पुलिस पार्टी, चूँकि इनकी सूचना थी, इनके गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी एक स्थान पे इनका वेट कर रही थी, उस स्थान पे आके उन्होंने ताबड़तोड़ दोनों ही आरोपी जो थे उन्होंने फायरिंग चालू किया और लगभग 8 से 10 राउंड फायर किया। पुलिस की तरफ से कोई घायल नहीं है, लेकिन पुलिस के वाहन पे कुछ गोलियां लगी हैं, उसकी भी जाँच की जा रही है। और जो अवैध संपत्ति, जहाँ पे अवैध कार्य ये लोग करते थे आरोपी, वो भी जो है नगर निगम के हमले के साथ उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये लगातार ज़िले के अंदर और बाहर आने का कार्य कर रहे थे और चूंकि आरोपी पुलिस की भी मूवमेंट की सूचना रखता है, तो पुलिस भी उन्हीं संभावित स्थानों पे अपनी पार्टी लगाई हुई थी जहाँ पर इनके आने जाने की सूचना थी, और कुछ लोग जिले के बाहर, कुछ जिले के अंदर लगातार मूवमेंट कर रहे थे, उसी के दौरान ये जानकारी हमें मिली। जो उंडासा में जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है उसमें एक आल्टो वाहन इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा था, चार पहिया वाहन। थेंक यू।